फार्मर जनरली जमील अहमद सुल्तानपुर से फूल गोभी में के खेत में आए हैं मौर्या जी के, और ये बताते हैं फूल गोभी में कैसे इसकी पैदाइश करें, कैसे इसमें लागत करें, कैसे लागत होगी और किस तरीके से किसान इसमें बेनिफिट उठा सकता है। हाँ तो मौर्या जी बताएं आप, ये जो फूल गोभी है आपका तो बहुत अच्छा पौधा है, बहुत अच्छा फूल है इसका, तो ये पछेती है, इसको पछेती कहेंगे। पछेती इसे कहेंगे इसे देसी भाषा में। ये आपने पछेती लगाया है गोभी, गोभी माधुरी है, माधुरी प्रजाति का है। तो इसका बीज क्या भाव मिला आपको? 500 के 10 ग्राम। 500 रुपए में 10 ग्राम इसको लिए थे, तो 100 ग्राम लिए। हाँ, 1.5 बीघा में 100 ग्राम लगा था। 100 ग्राम बीज लेके आए हैं, तो इसमें जो है खर्चा इनका जो भी आया है, खुद नर्सरी तैयार करके है ना, खुद से नर्सरी तैयार करके खुद से इसकी रोपाई किए हैं। और पोल्ट्री फार्म का खाद इसको पहले सड़ाने के बाद में देखें आप, इसमें काला काला नजर आएगा। ये सिर्फ पोल्ट्री फार्म का ही खाद इस्तेमाल करते हैं, इनका गाय को गोबर है और गौमूत्र से ही एक केमिकल बनाते हैं ये अपना, उसमें कुछ इनका है प्रोसीजर, उसी का ये स्प्रे करते हैं ताकि उसमें देखिए कितना ग्रीन है ये। तो इसमें कोई केमिकल यूज नहीं करते, गौमूत्र से अपना जो है कुछ इनका प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर से अपना दवा तैयार करते हैं, टंकी से स्प्रे करते हैं। ये देख लिया, इसमें इन्होंने बेच दिया है और अभी बाजार में सस्ता चल रहा है, लेकिन फिर भी कम से कम जो है 20-25 हज़ार के इन्होंने बेच लिया है, और अभी ये काफ़ी एरिया में खड़ा हुआ है। ये देखें तो ये देखिए। तो मौर्या जी, आप अपने किसान साथियों को भाई, जैसे एक दूसरे से आदमी प्रेरित होता है यहाँ पर, देखो ना पानी की भी सहायता है, सुविधा है। तो ये पछेती पहले तो अगेती वो भी किए, उसके बाद उसको काट के दोबारा फिर से बोए, ऐसे तो है ना। पहले एक बार आगे इसको पहले गोभी एक बार काट चुके, दोबारा फिर से इसको बोए अलग से नर्सरी करके। तो आपको ये कैसा लगा ये आपका धंधा? बढ़िया। तो अपने और किसान भाइयों के लिए क्या संदेश देंगे आप? सबको संदेश दें कि सभी करें। हाँ, सब खेती करें। हाँ। कि वो अच्छा इनकी सलाह ये भी है, बोल कम पाते हैं कैमरे पे, कि इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी किसान छोटा हो या बड़ा हो, चाहे बिल्कुल छोटा किसान हो, बिल्कुल लघु और सीमांत किसान, तो एक जानवर उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, कि ताकि उसे दूध का भी। हमारे दो भैंस हैं, एक गाय है। अच्छा, और मुर्गी के इस्तेमाल करते हैं। हाँ नहीं ठीक है, इनके मतलब दो भैंस हैं, गाय भी है, ये बिल्कुल एकदम सक्षम है। और बाकी किसानों को राय दे रहे हैं कि एक गाय या एक भैंस या दो भैंस, जैसे जिसकी गुंजाइश हो, उसे दूध भी मिल सकता है घर के यूज के लिए। एक टाइम का दूध बिक भी जाता है, एक टाइम का घर में इस्तेमाल, एक टाइम का दूध जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। और उससे मेन बात है इसके जो है अपना गौमूत्र से ये दवा बना लेते हैं इसके स्प्रे करने के लिए। इसका देख ले ये किस तरीके से इसका बिल्कुल हरा भरा है, और इसका फूल भी बहुत नीट एंड क्लीन है, देखिए बहुत अच्छा बहुत सुंदर है ये। तो इस तरीके से जो है इनका कहने का मतलब ये है कि एक जानवर जरूर हो जिससे गोबर की खाद मिल सके, बाकी पोल्ट्री फार्म का उसका दोनों का मिक्स करके करते हैं। तो ये किसान भाइयों को सलाह दे रहे हैं कि अभी भाई ना ज़्यादा करें तो थोड़ा करें, अपने यूज़ भर के लिए करें, लेकिन कुल मिला करके एक गाय या एक भैंस और खेती के लिए बहुत आवश्यक है। अच्छा, अभी भिंडी बुआई कर रहे हैं, अब कल जो है इनका वीडियो बनाएंगे भिंडी का। तो ठीक है किसान साथियों, मौर्या जी का कार्य कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएं, इस चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।